राधा कृष्णा की किचन में हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। चलो आज हमें भी मौका मिला, आज हम आपको एक नई रेसिपी की पूरी विधि बताएंगे। ये रेसिपी जब बारिश का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो तो बड़ी लाजवाब बनती है। तो चलिए आज हम ऐसे वाले पकौड़े खाते हैं जिसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो आइएगा, चलो हमारी पूरी रेसिपी देखते हैं कि आज हम पकोड़े बनाएंगे, वो भी नारियल वाले। नारियल के पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है कच्चा नारियल और चार आलू जिनको हमने उबाल लिया है, और यहाँ पे चार हैं छोटी वाली हरी मिर्चें। नारियल को आप तोड़िएगा और उसके बाद इसको कद्दूकस करके बारीक बारीक बना लीजिएगा। यहाँ हमने नारियल को कद्दूकस कर लिया है और साथ में हमने जो आलू लिए थे उबले हुए उनको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे जो हमने नारियल को कद्दूकस किया उनको और मिक्स किया हुआ जो आलू थे चार उनको और मिर्च का सबका एक मिक्सर कर लेते हैं। इसके अंदर ही आप डालिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अपने टेस्ट के अनुसार आप डालिएगा सफ़ेद नमक, आधा चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च डालते हैं, आप चिली फ्लेक्स या फिर वैसे आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जब भी पकोड़े की बात आती है तो आप हींग जरूर डालिएगा, हमने यहाँ पे आधा चम्मच हींग डाला है। आधा चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं, आधा चम्मच आप चाट मसाला डाल सकते हैं इसमें, इससे और ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। चाट मसाला साथ में हम डाल रहे हैं एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अंदर हम ज़रूरत के हिसाब से बेसन डालेंगे और बेसन डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लिमिट मात्रा में पानी डालना है, पानी उतना ही डालना है जितना आपको लगे कि पानी की इतनी आवश्यकता है। यहाँ हमने एक कटोरी बेसन डाला है, आप अपने आवश्यकता के हिसाब से बेसन डाल सकते हैं और अच्छे से इसको मिला लीजिएगा। यहाँ हमने पेस्ट को अच्छे से मिला लिया है। अभी सावन चल रहा है तो कुछ लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, यदि नहीं खाते हैं तो आप इस बेटर से पकोड़े तल सकते हैं। यदि आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आप इसके अंदर डाल लीजिएगा प्याज और साथ में कुटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं, इससे टेस्टी और टेस्टी पकोड़े आपके बनने वाले हैं। तो ये जो आज पकोड़े आप खाने वाले हैं तो ये पकोड़े भैया साधारण पकोड़े नहीं है, ये पकोड़े हैं नारियल वाले पकोड़े। इसमें आपको टेस्ट सब चीज़ों का आएगा और नारियल का तो बड़ा ही मज़े वाला टेस्ट आने वाला है। तो क्यों ना फटाफट आप भी एक नारियल मंगवाइएगा और कर दीजिएगा तैयारी बनाने की पकोड़े। अब आप बोलोगे भैया हमें तो कच्चा नारियल मिला ही नहीं, कोई बात नहीं, आप सूखा गोला लीजिए उसको पानी में भिगो दीजिए काट के, अब वो भी आपको ऐसा ही टेस्ट देने वाला है। आपका ये जो पेस्ट है उसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम साइज रखना है ताकि आपके पकोड़े अच्छे से तल जाए। तो आइए गैस पे रखा हमने कढ़ाई को, कढ़ाई के अंदर डाला तेल, तेल हमारा आ चुका है, इसके अंदर हम पकोड़े बना के डालेंगे और बड़े टेस्टी टेस्टी पकोड़े बनने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम बनाते हैं पकोड़े। आप सोच रहे होंगे कि एक्साइटमेंट कैसे आ गया, तो भैया जब बाहर बारिश हो रही हो और पकोड़े तले जा रहे हो तो एक्साइटमेंट तो आना ही है, और वो भी नारियल वाले पकोड़े। अब मीडियम गैस पे आपके पकोड़े तले जा रहे हैं, पकोड़े हमारे सिक रहे हैं, आप इसको उलट पुलट करके अच्छे से सेक लीजिएगा। ये पकोड़े हमारे बन गए हैं, इनको अब आप किसी टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिएगा। ये लीजिए जी आपके क्रिस्पी क्रिस्पी नारियल वाले पकोड़े बनके तैयार हैं। इसको आप सॉस के साथ दही के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आप इनको चाय के साथ यूज कीजिए, आपका जब मन करे आप बनाइए ये बढ़िया वाले टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी क्रिस्पी नारियल वाले पकोड़े। तो सबको यदि हमारे पकोड़े पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करिए। तो आप एंजॉय करिए क्रिस्पी नारियल वाले पकौड़े। सबको राधे राधे।